नेपोलियन बोनापार्ट शो मी अ फैमिली ऑफ रीडर्स एंड आई विल शो यू द पीपल हु मूव द वर्ल्ड टूडे इज सेकेंड ऑफ दिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी लेट एस है क्विक डिस्कशन ऑफ ऑल दीज इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स रैपिड जी के यस्टर्डे क्वेश्चन के आंसर्स हैं छपेली डांस छपेली डांस एक फोक डांस है ये बिलोंग करता है हिमाचल प्रदेश से गलेथिया नेशनल पार्क लोकेटेड है अंडमान एंड निकोबार में थर्मोमीटर का इन्वेंशन किया था डैनियल फेरानाइट ने जलीकट्टू एक मलयालम मूवी है ये ऑफिशियल एंट्री है अकेडमी अवार्ड्स जिसको ऑस्कर्स भी कहते हैं वॉट इज द थीम ऑफ नेशनल फार्मेसी वीक ट्वेंटी ट्वेंटी द आंसर इज फार्मासिस्ट फ्रंटलाइन हेल्थ प्रोफेशनल्स ये जो ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है हेलो इनिशिएटिव इसका नाम है यूनाइटेड नेशंस। सो दीज आर आंसर्स ऑफ यस्टरडे क्वेश्चंस। आज के सवाल है विच इज द ओल्डेस्ट एटॉमिक पावर स्टेशन इन इंडिया न्यूक्लियर एटॉमिक पावर स्टेशन इन इंडिया ओल्डेस्ट विच ऑयल फील्ड ऑफ इंडिया इज द ओल्डेस्ट एंड स्टिल प्रोड्यूसिंग ऑयल उस ऑयल फील्ड का नाम क्या है ये एक रिजर्वायर है गोविंद सागर ये किस रिवर पे बना है पंजाब की चंद्रभागा बीच अभी न्यूज में है ये एक वेन्यू है इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल 2020 का आपको बताना है ये चंद्रभागा बीच किस राज्य में स्थित है इंडियन स्टेट्स विच हैव कॉमन बॉर्डर्स विद पाकिस्तान आर नाम बताइए कॉमन बॉर्डर्स विद पाकिस्तान कुछ दिन पहले हमने चाइना देखा था नाउ दिस इज पाकिस्तान टोची गिलगित हुंजा ये ट्रिब्यूटरीज हैं रिवर का नाम क्या है

डेलिबरेटली अवॉइड यूजिंग और एब्सटेन कर रही है उससे दूर भाग रही है एब्सटेन फ्रॉम रेस्पॉन्सिबिलिटी समथिंग लाइक दैट दैट इज एस्यू निम्बल फुट जो स्टार्टअप्स होते हैं नई कंपनीज होती है वो निम्बल फुट होती है मतलब वो क्विक एंड लाइट इन मूवमेंट होता है जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बढ़ता है वो फिर हैवी हो जाती है निम्बल फुट यूबीक्टस यूबिक्यूटस मतलब ओमनी प्रजेंट सब जगह पर है वो जेंट अपियरिंग और फाउंड एवरी वेयर कहूत मतलब पार्टनरशिप टाइप ऑफ थिंग है शेयर इक्वली पार्टनर्स मिलजुल कुछ काम हो रहा है बिकम पार्टनर्स दैट इज दिस कहूथ सो दीज आर फाइव इंपॉर्टेंट वर्ड्स फॉर टूडे ये वर्ड्स आगे न्यूज पेपर में भी देखेंगे आज हम पढ़ेंगे जीएसटी इनफ्लो टॉप हुआ है वन लैक करोड़ एक्सलेंट फॉर सेकेंड मंथ इनर ओ सेकेंड इज अबाउट दिस मूवी ये मूवी है मलयालम ऑफिशियल एंट्री फॉर ऑस्कर रीजनल प्रायोरिटी ये बड़ा अच्छा आर्टिकल है रीजनल प्रायोरिटी एस सी ओ स्लो प्रोग्रेस जोनोटिक डिजीजेस सी द परनीशियस आइडिया ऑफ एक्सक्लूसिव बिलोंगिंग एक्सलेंट आर्टिकल परनीशियस आइडिया ऑफ एक्सक्लूसिव बिलोंगिंग आपकी आइडेंटिटी क्या है देन वाई बिजनेस बैरन शुड नॉट रन बैंक दिस इज अ गुड आर्टिकल अगेन इम्यूनोजेनिक एस आई आई ने रीट्रेट किया है वैक्सीन सेफ्टी चाइना पाकिस्तान ने साइन किया है मिलिट्री डील पीएमआई पीएमआई क्या आज हम कॉन्सेप्ट समझते हैं और जीवीए थोड़ा अलग होता है इसको भी हम देखते हैं देन दिस इज ब्रह्मोस ये है इमरजेंसी यूज अप्रूवल बट इसका मतलब क्या होता है वैक्सीनेशन का इमरजेंसी यूज अप्रूवल ये ब्रह्मपुत्रा के फ्लड में अभी हो रहा है दिस डेंड्रोक्रोनोलॉजी पेलियो क्लाइमेटोलॉजी और इसकी क्या फाइंडिंग्स हैं विल टॉक ऑन दिस

पिछले कुछ टाइम से जीएसटी रेवेन्यू में शॉर्ट फॉल हुआ था हम इवन जो कंपनसेशन स्टेट्स को देना है जीएसटी रेवेन्यू का वो भी फुलफिल नहीं हो पा रहा था मेजर हो रहा था तो दिस इज अ गुड थिंग अक्टूबर में अपटिक था नवंबर में भी अपटिक था वन लाख करोड़ का सेकेंड मंथ इनर रो में दिस जीएसटी कलेक्शन राइज हुआ है नवंबर के रेवेन्यू 1.4 परसेंट हायर थे 2019 कलेक्शन ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन ईयर ऑन ईयर मतलब अभी का नवंबर 2020 और 2019 का नवंबर इन दोनों को कंपेयर करेंगे बट अभी भी म्यूटेड ग्रोथ है इतना ग्रोथ हुआ है विच इज अ गुड थिंग द पॉइंट इज ये सस्टेन होगा या नहीं होगा सी ये जो रेड है ना ये फाइनेंशियल ईयर 21 है जो ब्लू है ये फाइनेंशियल ईयर 20 है तो दोनों को कंपेयर कर रहे हैं जैसे अक्टूबर का ब्लू पिछले साल का अक्टूबर रेड दिस साल का सी द अप नवंबर में भी अप है तो इट इज अ गुड थिंग एक सेटिस्फैक्टरी है ये नंबर्स रिड्यूस द शॉर्ट इन जीएसटी कंपनसेशन टू द स्टेट्स तो जो शॉर्टफॉल हो रहा था स्टेट्स को जीएसटी कंपनसेशन देना है सेंटर को वो जो शॉर्टफॉल हो रहा था बिकॉज जीएसटी कलेक्शन प्रॉपर नहीं आ रहा था तो वो शॉर्टफॉल में अब कमी आएगी गुड थिंग बिग रिलीफ बट अभी भी हम आउट ऑफ वुड्स नहीं है इकोनॉमिस्ट ने अर्ज किया है कॉशन दिसंबर तक देखते हैं अक्टूबर ठीक है नवंबर ठीक है दिसंबर भी देखते हैं फिर हम असेस करेंगे कि इकोनोमी ट्रूली आउट ऑफ द वुड्स है भी या नहीं है अदरवाइज अक्टूबर नवंबर तो फेस्टिवल टाइम था ग्रोथ इसमें दिखना ही था डिमांड पेंटअप डिमांड भी थी तो नंबर्स अप होने थे लेट लेटेस्ट सी द फिगर्स ऑफ दिसंबर ये जो जीएसटी कंपनसेशन है नोट्स अक्टूबर में बहुत डिटेल में इसमें हमने बात किया है जीएसटी कंपनसेशन का जैसे फिफ्थ ऑफ नवंबर इस बार का जीएसटी इनफ्लो देखा हमने ये चार्ट आया सेम ऐसे ही चार्ट लास्ट मंथ भी मंथ के स्टार्टिंग में आया था फिफ्थ ऑफ नवंबर में सी यहाँ पे भी हमने देखा था जीएसटी कलेक्शन फिर से एक लाख करोड़ क्रॉस हुआ था फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर दिस न्यूज इज ऑफ फिफ्थ ऑफ नवम्बर गवर्नमेंट ने बोला था तब की रिकवरी दिख रही है एक्सपर्ट ने फिर भी कहा था कि सस्टेनेबिलिटी देखना चाहिए कि ये पेंटअप डिमांड तो नहीं है रोबस्ट फेस्टिव सीजन तो नहीं है शॉर्ट लिव तो नहीं होगा नवंबर अच्छे से बीता है अब दिसंबर का डेटा हमें देखना होगा जीएसटी का एक बार फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं ऑल दो आई बिलीव ये सब रट गया है हंड्रेड एंड वन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है फर्स्ट जुलाई दो हजार सत्रह को आया था इनडायरेक्ट टैक्स है इसका पूरा नाम है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ये एक कंजम्पशन टैक्स है कॉम्प्रीहेंसिव है कॉम्प्रिहेंसिव मतलब बहुत सारे टैक्सेस को इनडायरेक्ट टैक्सेस को इसने सब्ज्यूम कर लिया है अभी मैक्रो इकोनॉमिक्स हमने पढ़ा ना उसका लास्ट चैप्टर में इसके बारे में बहुत अच्छे से बात किया है चैप्टर में मल्टी स्टेज टैक्स है स्टेप्स ऑफ प्रोडक्शन में लगेगा तभी हम टैक्स जो लगा है इनपुट टैक्स क्रेडिट वो क्लेम कर पाते हैं डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है पॉइंट ऑफ कंजम्शन तो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट को कुछ नुकसान हो सकता है कंजम्पन स्टेट को कुछ बेनिफिट हो सकता है सो दैट इज वाई इसमें जीएसटी कंपनसेशन के भी प्रोविजन थे ये इसकी पांच स्लैब है पेट्रोलियम अल्कोहल इलेक्ट्रिसिटी नॉट कवर्ड है एक जीएसटी काउंसिल भी होगा कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल टू सेवेंटी नाइन ए में इसका मेंशन है फाइनेंस मिनिस्टर यूनियन एंड स्टेट यहाँ पे आते हैं सो दिस इज अवर दिस जीएसटी अब जीएसटी बहुत इंपॉर्टेंट है तो लास्ट ईयर 2019 में मेंस में एक क्वेश्चन आया था ट द इन डायरेक्ट है जी एस टी अब हमने ये बहुत अच्छे से पढ़ाए सब्ज्यूम कॉम्प्रिहेंसिव इसको आप तुरंत लिख पाओगे कमेंट ऑन द रेवेन्यू इम्प्लीकेशन ऑफ द जी एस टी इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया सिंस जुलाई टू थाउजेंड सेवन तो सी प्रश्न ना ऐसे आते हैं साधारण से प्रश्न आते हैं बट ट्रिक ये है कि आपके पास टैंपलेट्स सारे रेडी होने चाहिए न्यूज टैंपलेट जैसे ही टैंपलेट्स रेडी होंगे ना आप इसका तुरंत यूटिलाइज कर पाओगे वरना आप एग्जाम टाइम पे इसको पढ़ोगे समझोगे सोचोगे तो पूरे प्रश्न आप नहीं कर पाओगे सो यू हैव टू रिवाइज रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट और जो पढ़ा है उसको कंसोलिडेट करना है राइटिंग रिटर्न लिख लिख के देखिए एनुमरेट द इनडायरेक्ट टैक्सेज विच हैव बीन सब्ज्यूम्ड इन द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कमेंट ऑन द रेवेन्यू इम्प्लीकेशन ऑफ द जी एस टी इंट्रोड्यूसड इन इंडिया सिंस जुलाई टू थाउजेंड सेवेंटीन जब हम ऐसे धीरे धीरे बोल के पढ़ते हैं ना तो रिटेंशन ज़्यादा होता है जब हम उस चीज़ को लिख के देखते हैं तो रिटेंशन और भी ज़्यादा होता है ये ट्राइड एंड टेस्टेड मैथड है अगर आप ऐसी सिंपल वीडियो देख रहे हो ना ये सब सुपरफिशियल है ये लास्ट नहीं करेगा यू हैव टू कंसोलिडेट देन ओनली इट विल लास्ट और एग्जाम में ये हेल्प करेगा अदरवाइज इट इज़ जस्ट एंट्रोपी सो दिस इज फर्स्ट टॉपिक अब जो सेकेंड है दैट इज अबाउट दिस जली कट्टू जली कट्टू अ पीस ऑफ बटर दिस अमूल जली गुड मलयालम ऑफिशियल एंट्री है अभी ये ऑस्कर्स के लिए इंडिया ने सेंड किया है जली कट्टू मूवी का नाम है देन दिस इज द फर्स्ट न्यूज फार्मर्स से बात अभी चल रही है गवर्नमेंट बात कर रही है एक्सिलेंट नेगोशिएशन टाइम बंपर टू बंपर देन दिस इज़ नो मूव फॉर यूनिवर्सल वैक्सीनेशन गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन ने क्लियर किया है कि यूनिवर्सल मतलब कंट्री के हर इंसान को वैक्सीनेशन गवर्नमेंट फैसिलिटेट कराएगी ऐसा फिलहाल के लिए कोई मूव नहीं है कंसिस्टेंट एफर्ट्स हैव लेट टू अ डिक्लाइनिंग ट्रेंड मतलब इससे बेनिफिट हुआ है कंसिस्टेंसी ऑलवेज हेल्प इन फुल गियर अब बीच में देवर न्यूज़ रिगार्डिंग दिस पॉलिटिक्स एंड ऑल हम डायरेक्ट एडिटोरियल पर आते हैं फर्स्ट एडिटोरियल है रीजनल प्रायोरिटीज सी रीजनल प्रायोरिटीज एस सर्व करेगा इंडिया मतलब दिस सर्च हम फाइंड कर रहे हैं जियो पॉलिटिकल बैलेंस और रीजनल एंगेजमेंट इंडिया इस सेक्शन में थोड़ा पीछे हटा है कुछ टाइम पे जैसे हमने आरसीपी में भी पुल आउट किया सार्क जो है सार्क है साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉम्प्रीहेंशन वो भी दिस सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन ये भी उतना फ्रूटफुल नहीं रहा है देन बिमस्टेक भी इतना टिक नहीं हुआ रीजनल एंगेजमेंट में दिस एस सी ओ कुड बी एन अपॉर्चुनिटी जियो पोलिटिकल बैलेंस इससे स्टोर करने में हमें हेल्प मिल सकती है तो अभी जो गवर्नमेंट हेड है हेड ऑफ़ गवर्नमेंट मीटिंग हुआ वर्चुअल मीट था इंडिया ने इसका चीफ था वाइस प्रेसिडेंट नायडू जी ने रिप्रेजेंट किया हमें यहाँ फिर हमने रिलीज किया ये 66 पॉइंट का जॉइंट कॉम्यूनिक काइंड ऑफ स्टेटमेंट इसमें क्या लिखा है प्लान ऑफ प्रायोरिटी प्रैक्टिकल मेजर्स फॉर 2021-22 ओवरकम करें सोशियो इकोनॉमिक सोसाइटी इकोनॉमिक फाइनेंशियल फूड कॉन्सिक्वेंसेज जो आए हैं कोविड 19 इन द रीजन ओवरकम द सोशियो इकोनॉमिक फाइनेंशियल एंड फूड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कोविड कोविड-19 इन द रीजन इसके बारे में बात करने के लिए ये सिक्सटी पॉइंट ज्वाइंट कम्युनिटी रिलीज़ हुआ है वाइस प्रेसिडेंट साहब ने विदाउट मिनसिंग वर्ड्स दो चीज़ें बहुत क्लियरली वहाँ पे स्टेट किया कि ये जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल हिंट था पाकिस्तान के लिए वाइस प्रेसिडेंट साहब ने क्लियरली कहा ट्रांसपेरेंट एंड ट्रस्ट वर्दी होनी चाहिए ट्रेड प्रैक्टिस ये ट्रेड एज अ वेपन नहीं होना चाहिए क्लियर मैसेज था चाइना को एस सी ओ वन ऑफ द फ्यू रीजनल स्ट्रक्चर है जहाँ पे इंडिया एक पार्ट है नाउ अगर जैसे हमारा एंगेजमेंट डिक्लाइन हुआ है सार्क में बी बी में आर में दिस बांग्लादेश भूटान इंडिया नेपाल एंड दिस आर तो इसीलिए एस में हमारा एंगेजमेंट इज़ गुड एस प्रोवाइड कर सकता है एक कन्वीनियंट चैनल और हम सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को टाइज ट्रेड के लिए रीच कर सकते हैं सो दैट इज़ वाई एस सी ओ इज़ इम्पोर्टेंट कल एक मैप भी देखा था हमने एट कंट्रीज़ हैं एस की एंड ऑल यूरेशियन ऑर्गेनाइजेशन है पॉलिटिकल सिक्योरिटी इकोनॉमिकल दिस ऑर्गेनाइजेशन है एस सी ओ सो दिस इज रीजनल प्रायोरिटीज अब जो नेक्स्ट एडिटोरियल है दिस एडिटोरियल इज अबाउट स्लो प्रोग्रेस स्लो प्रोग्रेस सी चाइना का स्ट्रैटेजी ये होता है कि सबको ब्लेम कर दो ताकि इसके ऊपर डाउट नहीं आए उल्टा चोर कोतवाल को, को डांटे तो चाइना अभी भी क्लैरिफाई नहीं किया इसने कि ये जो वुहान वायरस है या फिर कोविड नाइन्टीन है इसका सोर्स क्या था ओरिजिन कहाँ था इसमें बहुत सारी थ्योरीज चल रही हैं एक थ्योरी बोलती है कि बैट्स हैं वुहान है वहाँ से आया है एक थ्योरी बोलती है कि हो सकता है ये लेबोरेटोरी में बना है और बायो वेपन की तरह यूज़ हुआ है देर आर सो मेनी थ्योरीज बट अभी तक क्लैरिटी नहीं है वी नीड क्लैरिटी इंडिया ने भी ऑफिशियल जो स्टैंड लिया है वो ये बोला है इसका थोड़ो जांच होना चाहिए वैक्सीनेशन तो आएगा बट थोरो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए फाइंडिंग्स आनी चाहिए कि ये वायरस आया कहाँ से स्लो प्रोग्रेस हो रही है डब्ल्यू एच ओ मस्ट वर्क अलॉन्ग साइड चाइना इन क्विकली अनकवरिंग द ओरिजिन ऑफ द वायरस ये वायरस कहाँ से आया ये वायरस एक जोनॉटिक डिसीज़ है जोनॉटिक डिसीज मतलब एनिमल टू ह्यूमन है ये जो जोनॉटिक डिसीजेज हैं इसके बारे में समझना ज़रूरी है ओरिजिन अदरवाइज हम स्टॉप नहीं कर पाएंगे एनिमल्स आर रिजर्वायर ऑफ सो मेनी वायरस और ये जंप करते रहेंगे ह्यूमन में वी नीड टू स्टॉप दिस मल्टी प्रोन्ज्ड अप्रोच जरूरी है एम्फेसाइज़ करें इन्वेस्टिगेट करें चाइना का वाइल्ड लाइफ फार्म्स को भी जहां पर यह बहुत सारे इंसिडेंसेज आए हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट कि दिस वुहान से ये वायरस जनरेट हुआ था ओरिजिन हुआ था अकाउंटेबिलिटी सेट करना ज़रूरी है फाइंड द सोर्स एंड ओरिजिन एंड प्रिपेयर फॉर फ्यूचर बिकॉज दिस टाइप ऑफ डिसीजेज आर नॉट द फर्स्ट वन इससे पहले मर्स भी आया था मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम देन सार्स भी था अब की बार सार्स कोव टू है ये सब जूनोटिक डिसीजेज हैं और एक फैमिली है जैसे सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम इसमें बहुत सारी ऐसी ये डिसीजेज होती है द पॉइंट इज वैक्सीनेशन हम बना रहे हैं हम वन हेल्थ का जो कॉन्सेप्ट है इस पर भी वर्क कर रहे हैं वन हेल्थ इज़ अ वेरी गुड कॉन्सेप्टवलोकेट नोट्स हैव अ लुक एट नोट्स जिसमें हम सस्टेनेबिलिटी पे बात करते हैं एनिमल्स नेचर्स ह्यूमंस का तो यहाँ इंडिया को वर्क करने की ज़रूरत है और वर्ल्ड को इन टोटल जरूरी है कि हम अकाउंटेबिलिटी सेट करें सेट अकाउंटेबिलिटी कपल ऑफ डेज बैक चाइनीज रिसर्चर्स ने बोला ये वायरस इंडिया में ओरिजिन हुआ है सो दीज टाइप्स ऑफ थिंग्स शुड बी अवॉइडेड वी नीड टू प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट एंड सेट अकाउंटेबिलिटी फाइंड द सोर्स ओरिजिन एंड प्रिपेयर फॉर फ्यूचर स्लो प्रोग्रेस हो रही है डब्ल्यू को वर्क करना चाहिए चाइना के साथ अब जो नेक्स्ट आर्टिकल है दिस इज द लीड आर्टिकल एंड एन एक्सेलेंट आर्टिकल द परनीशियस आइडिया ऑफ एक्सक्लूसिव बिलोंगिंग इट इरेजेज़ द मल्टीप्लीसिटी एंड फ्लूडिटी नेसेसरी फॉर सेल्फ डेवलपमेंट एंड कल्चरल ग्रोथ कल हमने ह्यूमन ज्योग्राफी स्टार्ट किया ह्यूमन ज्योग्राफी बड़े अच्छे से उसमें बताया है कि पूरे वर्ल्ड में डिफरेंट कल्चर्स कैसे जनरेट होते हैं सोसाइटीज़ कैसे जनरेट होती है सिविलाइजेशंस कैसे जनरेट होती है कस्टम्स प्रैक्टिस कैसे जनरेट होते हैं जोग्राफी इज डेस्टिनी अब बिकॉज अलग अलग कल्चर वर्ल्ड के अलग अलग जोग्राफिकल पार्ट में जनरेट हुआ इवॉल्व हुआ तो ऐसा नहीं होता कि वो एक्सक्लूसिव है बिकॉज जो ट्रैवलर्स थे हमने देखे फाहियान था निकोलो कोंटी था देव आर सो मेनी ट्रैवलर्स फिर जैसे अटलांटिक में एक्सचेंज हुआ यूरोप से दिस न्यू डिस्कवर्ड अमेरिका में चीज़ें गई अमेरिका से यूरोप में आई न्यू वर्ल्ड ओल्ड वर्ल्ड एक्सचेंज हुआ वर्ल्ड हिस्ट्री द पॉइंट इज वॉट इज़ योर आइडेंटिटी आपकी पहचान क्या है वन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रुप हो क्या आप केवल एक ही आपकी पहचान है नो no. आपकी बहुत सारी पहचानें हो सकती है यू आर नॉट वन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रुप हमारी जो आइडेंटिटी होती है वो मल्टी लेयर्ड होती है वी बिलोंग एक्सक्लूसिवली टू वन कल्चर क्या हम केवल एक ही कल्चर के हैं एक ही रिलीजन के हैं एक ही लैंग्वेज के हैं ये अगर चीज़ हम वर्क करते हैं इस डायरेक्शन में सोचते हैं तो ये अनडिज़ायरेबल और अनफीजिबल है बिकॉज सिलोज में कुछ नहीं होता है हर जगह में कॉमनलिटी होती है एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ प्रैक्टिस होते हैं तो ऐसा नहीं है कि ये है तो केवल यही है नो no. आप शब्दों को देखो रूट्स को देखो संस्कृत के बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आपको यूरोपियन लैंग्वेज में मिलेंगे उर्दू का इवॉल्व इंडिया में हुआ उर्दू लैंग्वेज डेवलप हुई उसमें बहुत सारे जो शब्द हैं अलग अलग जगह से आएंगे तो क्या होता है कि चीज़ें मिलती हैं एक साथ और नया इवोल्यूशन होता है जैसे आर्किटेक्चर में हमने देखा डिफरेंट कल्चर आए आर्किटेक्चर नया इवोल्व हुआ तो ये कहना गलत होगा कि दिस इज दिस ओनली दिस इज दिस, दिस, दिस ओनली नो सिमिलरली कस्टम्स आइडियाज थॉट्स अमलगमेशन यूजुअली जो देखा गया सिविलाइजेशन हिस्ट्री में देखें तो ये है पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट दिस इज़ वन इट यूज़ टू बी वन पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट कस्टम्स आइडियाज थॉट्स अमलगमेशन में तो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज होता है कल्चर्स इवॉल्व होते हैं अगर हम अनाउंस करें वेर वी ट्रूली बिलोंग वॉट वी ओ आवर ओवर राइडिंग एलिजेंस जैसे स्टेट है आपका ठीक है ये आपका स्टेट है बट उसके ऊपर भी एक आइडेंटिटी है कि दिस इज योर कंट्री सो देयर आर मल्टी मल्टी लेयर्ड है ऐसा नहीं है कि केवल एक ही आपकी आइडेंटिटी है डिफाइंड बाय हिज ओरियंटेशन टू एन इनकम्पेरेबली हायर गुड अब ये बात आती है हमारे कंट्री की तो इस पूरे आर्टिकल में ये बताया है कि रिलीजन बेस में कल्चर बेस में अगर हमें ये देखने लग जाए कि हम केवल इसी रिलीजन के हैं इसी कल्चर के हैं नो no. इससे क्या होता है क्लैशेज होते हैं आइडेंटिटी मल्टी लेयर्ड होती है हमारी इंटरसेक्टिंग कल्चर्स होते हैं और ये नहीं है कि दिस कल्चर इज़ गुड दिस इज़ रॉन्ग नो एग्जिस्टेंस सबका है वहाँ पे सीरियस ऑब्जेक्शन आता है आइडेंटिटी का जजमेंट ऑफ रियल सिग्निफिकेंस आता है देन मल्टीपल एलिजियंस भी होता है यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हैं जैसे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान थे ये दिस यहाँ पे आते थे दे स्टेप डाउन द दाट्स बाद इन द गंगा वॉक अप टू तो मस्जिद फ़ॉर नमाज एंड देन हर हेड स्ट्रेट टू द बालाजी टेम्पल फॉर रियाज द पॉइंट जो यहाँ पे मेंशन किया है कि एक यूनिक आइडेंटिटी नहीं होती है मल्टी लेयर्ड है हमारा दिस कल्चर अब सिंगुलैरिटी और होमोजेनिटी या फिर प्लूरेटी और डाइवर्सिटी दिस इज़ अ डिबेट और इसमें जो आइडियल जो हमें वाइज चीज होगा दैट इज़ एक्सेप्ट दिस मल्टीपल मल्टीपल आइडेंटिटीज़ और मल्टीपल आइडेंटिटीज़ भी अगर टोटेलिटी में देखें तो देर इज़ ओनली वन आइडेंटिटी सो दिस इज़ द थिंग जो आइडेंटिटी है एक्सक्लूसिव नहीं होती है ओवरलैप होता है ऐसा नहीं है कि साइमल्टेनियसली सारी चीज़ें यहाँ पर ओवरलैप हो रही है ऐसे सिलोज में चीज़ें नहीं होती हैं इट इरेजेज द मल्टीप्लीसिटी एंड फ्लूडिटी नेसेसरी फॉर सेल्फ डेवलपमेंट एंड कल्चरल ग्रोथ ये समझने की जरूरत है एक्सक्लूसिव बिलोंगिंग नहीं होता है अब जो नेक्स्ट है दैट इज अबाउट लास्ट स्ट्रॉ इज बींग फर्दर डिसेबल्ड यहाँ पे बताया है प्रिजनर्स हैं कई बार उनको जैसे अभी हमने सुप्रीम कोर्ट का केसेस देखे थे बेल टाइम पे नहीं मिल रही है तो उनमें उनके जो राइट्स हैं वो वहाँ पे वॉयलेट हो रहे हैं दिस आर्ग्यूमेंट प्रेजेंटेड ओवर हेयर बात है, बिल्ली को ड्यूटी दिया है कि इस मिल्क को प्रोटेक्ट करना एनरिच देम सेल्फ बट वो क्रश भी कर सकते हैं कॉम्पिटिशन ये एक डेंजरस सजेशन है कुछ दिन पहले इसका हमने एक लीड आर्टिकल पढ़ा था बैंक कॉरपोरेट सी कॉरपोरेट हाउसेस होते है ना इनके बैग्ड एन हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ हैं बट एन और प्रॉपर बैंक में डिफरेंस होता है प्रॉपर बैंक मतलब जैसे आपने अपना सेविंग अकाउंट एक बैंक में खुला है वहाँ पे कितने सारे लोगों ने अपना पैसा जमा करा रखा है और वो बैंक अगर किसी कॉरपोरेट का हो गया कॉरपोरेट हाउस है कॉरपोरेट हाउस को बिजनेस करना है स्ट्रैटेजीज़ होंगी वो ये पैसा वहाँ से ईजिली डाइवर्ट कर सकता है बिजनेस फेल होगा आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है बैंक की वो यहाँ पे सवाल उठेंगे तो इट इज़ नॉट राइट फंडामेंटली नॉट राइट आर का जो ये पैनल था इसने बोला कि प्रॉपर सेफ करके ऐसा किया जा सकता है जो कॉरपोरेट्स हैं इनके पास बहुत पैसे हैं तो इससे बैंकिंग सेक्टर में पैसे आएंगे रिफॉर्म्स आएगा एफिशिएंसी आएगा बट अगेन थिंग इज दिस इज फंडामेंटली इनएक्यूरेट कॉरपोरेट हाउस जो है वो पॉलिटिकल कनेक्शंस भी होते हैं इनके ह्यूज फंडिंग्स भी होती है आरबीआई मॉनिटर करेगा बट कितना करेगा आर का भी जो मॉनिटरिंग है वो मोस्टली पोस्टमार्टम होता है तो एन अलाउ किया भी दस साल था वो बैंक भी बन सकते हैं बट देर इज अ डिफरेंस बिटवीन एन एंड अ बैंक ह्यूज डिफरेंस तो क्या ये प्रिल्यूड टू प्राइवेटाइजेशन है रीच एंड क्लाउड क्या होगा इसका दिस इज द थिंग प्राइवेटाइजेशन और बैंक्स ऐसा नहीं कि आपने कॉर्पोरेट्स को बैंक ओपन करने के लिए यहाँ पे दे दिया है दिस वुड नॉट बी द राइट थिंग ये कुछ बातें हैं जो डिटेल में हमने कुछ दिन पहले देखा था एक अच्छा आर्टिकल भी था इसका आर इंटरनल वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट है जिसने बोला था इंडस्ट्रियल हाउसेस को बैंक ओन करने दिया जाए बट इसका क्रिटिसिज्म हो रहा है दिस इज नॉट राइट ऑफ दैट बैंक्स जो हैं वहां पे रिफॉर्म्स नेसेसरी है तो वाई इंस्टेड ऑफ वन कॉर्पोरेट हम वाइड और डाइवर्सिफाइड होल्डिंग करें स्टॉक्स को इससे जो प्रॉब्लम है एफिशिएंसी की वो भी सॉल्व होगी एट द सेम टाइम जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई हो जाएगी और ये रिस्क से हम सेफ कर सकते हैं बैंक्स को अगर कॉरपोरेट्स में कुछ ट्रबल भी आती है तो तो दिस इज द थिंग क्लियर वर्ड्स में यहाँ पे बोला है कि दिस इज नॉट राइट कारपोरेट्स को बैंक ओपन नहीं करने देना चाहिए देन नो लेवरेज फॉर बाइडन ऑन ईरान यहाँ की सिचुएशन बहुत ज्यादा अभी टर्मोइल हो रहा है ईरान में अभी यहाँ के जनरल का असासीनेशन हुआ था अभी न्यूक्लियर साइंटिस्ट का असासीशन हुआ है यू बहरीन सऊदी इसराइल अमेरिका ये सब एक पेज में आ रहे हैं और इधर आ रहा है ईरान सी यहाँ पे अब क्या डेवलपमेंट होता है नो लेवरेज फॉर बाइडन ऑन ईरान और यूएस में भी प्रसिडेंटशिप चेंज हो रही है ट्रंप थे ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थे ईरान के ट्रंप ने ईरान न्यूक्लियर डील से भी पुल आउट कर लिया था बाइडन के पास क्या अप्रोच होगा सी नो लेवरेज फॉर बाइडन ऑन ईरान हिज एडमिनिस्ट्रेशन वुड नीड मोर देन प्रोमिस बिकॉज जो न्यूक्लियर डील हुआ था ना वो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने किया था और ओबामा के ही वाइस प्रेसिडेंट थे बाइडन तो बाइडन मोस्ट प्रोबेबली फिर से ट्राई कर सकते हैं न्यूक्लियर डील करने का और अगर न्यूक्लियर कैपेबल ईरान होता है तो जियो पॉलिटिक्स यहाँ की बहुत ज्यादा डिफरेंट हो जाएगी लेट एस सी देन विनर्स ये जो ऐसे चीजें आती है ना आई आर की इसमें कोई ओपिनियन पास नहीं करना चाहिए बस अपने ऑब्जर्वेशन प्रेजेंट करना चाहिए दिस इज अ गुड अप्रोच बिकॉज चीजें बहुत फ्लूएड होती है किस डायरेक्शन में मूव होगा नोबडी नोज और बहुत सारी चीज़ें पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आती भी नहीं है तो यूजुअली हम जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है हम उसी को फॉलो करते हैं नो लेवरेज फॉर बाइडन ऑन ईरान विनर्स हु डिसअपॉइंट दिस इज नोबेल प्राइज नो दिस इज वन थिंग हम बहुत जल्दबाजी में नोबेल प्राइज दे देते हैं अवार्ड करते हैं कॉन्क्लूजन जजमेंट पास करते हैं देन फिर क्या होता है चीज़ें जैसा हमने बोला है वैसा होती नहीं है ईट बैक योर वर्ड्स विनर्स हु डिसअपॉइंट सी यहाँ पे इथियोपिया के प्राइम मिनिस्टर हैं एबी अहमद इनको दिया गया नोबेल प्राइज फिर पीस के लिए दिया वो भी नोबेल प्राइज पीस के लिए दिया टिग्रे प्रोविंस जो है इथियोपिया का यहाँ पे हुआ रेबल रेबेल और सिविल वॉर टाइप सिचुएशन और यहाँ पे जो इनका कंडक्ट है इथियोपियन प्राइम मिनिस्टर का वो नोबेल प्राइज और वो भी पीस प्राइज के लायक नहीं है उस पर सवाल उठे हैं आई मीन सो दैट इज वाई विनर्स डिसअपॉइंट तो क्या हम वेट करें कि एटलीस्ट जो सर्विंग प्रेसिडेंट है सर्विंग प्राइम मिनिस्टर है उसके आउट होने का वेट करें देन हम उसको फिर ऐसे कुछ अवार्ड्स तो दे रहे हैं तो दें विनर्स डिसअपॉइंट सिटिंग प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को अगर अवार्ड्स मिलते हैं तो इनहेरेंटली वो रिस्की हो जाता है अवार्ड की क्रेडिबिलिटी भी कम होती है इरोजन ऑफ डेमोक्रेसी मिस्टर ट्रंप ने भी काफी ट्राई किया था पीस प्राइज नोबेल का जीतने का दिस इज लो टर्न आउट इन हैदराबाद सिविक पोल देन दिस इज केरला कर्नाटका में नए केसेस आ रहे हैं पीक है सितंबर न्यू केसेस वर एट पीक इन सितंबर पीक शायद चला गया है 48.6 एट पॉइंट परसेंट टर्नआउट हुआ जम्मू एंड कश्मीर में डिस्पाइट द कोल्ड इट्स गुड बट नॉट दैट गुड कैनेडियन लीडर्स कमेंट ऑन प्रोटेस्ट आर इल इनफॉर्म ई ए एम ने स्ट्रॉन्ग वर्ड वर्ड्स में बोला है मिस्टर ट्रूडू इल इन्फॉर्म्ड है नॉट रिक्वायर्ड देन दिस इज प्रोटेस्टर्स दिस इज नॉट डन सी द गैवल फॉल्स ऑन डेकोरस अटायर हर चीज का ना एक अटायर होता है जैसे ऑफिस का अटायर होता है लैंग्वेज होती है काम करने का तरीका होता है अभी वर्क फ्रॉम होम हो रहा है तो पीपल टेक दिस फॉर ग्रांटेड लॉयर अपील हो गया शर्टलेस ड्यूरिंग वर्चुअल हियरिंग में एंड जज ने फिर उनको डाटा कि दिस इज नॉट डन दिस इज नॉट डन एक डेकोरम मेंटेन करना चाहिए एस आई आई री इटरेट्स वैक्सीन सेफ्टी सी अभी कुछ चार्जेस लगे थे वैक्सीनेशन इसका प्रॉपर नहीं है उसमें है एस आई आई सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने फिर से बोला है वैक्सीनेशन सेफ है ये इम्यूनोजेनिक है इम्यूनो मतलब इम्यूनिटी जेनिक वर्ड मतलब जनरेट कर रही है रिलेटिंग टू डिनोटिंग सब्सटेंस जो प्रोड्यूस करेगा इम्यून रेस्पॉन्स तो ये इम्यूनोजेनिक वैक्सीन है ये इम्यूनिटी बॉडी में दिस डेवलप होगा ये ऐसे करके इसने बहुत ज़्यादा स्टॉक्स भी बना दिए हैं सीरम इंस्टीट्यूट पुणे में है ये वायल्स ऑफ कोविशील्ड कोल्ड स्टोरेज रूम भी है ये सो दिस इज एस आई आई ये एक बड़ा और डेवलपमेंट हो रहा है बिफोर दैट क्वारंटाइन नोटिस में कॉज स्टिग्मा दिस इज नॉट राइट अभी ऐसी बातें चल रही है कि पेशेंट के घर के सामने ऐसे पोस्टर लगा दिया आपने पैम्फलेट तो इससे क्या क्रिएट होता है स्टिग्मा आता है पेशेंट्स जो हैं वो खुल के सामने नहीं आएंगे कोविड पेशेंट्स और फिर उससे ज़्यादा लॉस होगा क्वारंटाइन नोटिस में कॉज स्टिग्मा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिस कुड बी अवॉइडेड मैनी वॉयेशन हुए चार धाम प्रोजेक्ट में है बद्रीनाथ टेम्पल चारधाम श्राइन है देन डी एस टी डी मोरल पोलिसिंग इन रिक्रूटमेंट दिस इज न्यूज नेक्स्ट इज दिस इज डायलैम फॉर स्पोर्ट्स शोकेज है ये जो है ना एन सी ए पी ये काफी इम्पोर्टेंट टेस्ट होता है एन सी ए पी क्रैश टेस्ट होता है यहाँ पे इसमें क्या होता है कि हमारे यहाँ यूजली जो इंडिया है हम इंडियंस ना सेफ्टी को इतना पैरामाउंट नहीं मानते प्रॉपर होने चाहिए देन जो आपकी गाड़ी है उसका जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रांग होना चाहिए हम क्या करते हैं जैसे स्पेशली मारुति के व्हीकल्स में ये ब्लेम आता है कि वो लाइट होते हैं बहुत ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट होने के कारण बट वहाँ पे फिर सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है तो ये ग्लोबल क्रैश टेस्ट है एन का इसने अभी इस टेस्ट में दिस थार ने फोर स्टार स्कोर किया है विच इज़ गुड थिंग देन दिस इज डायल एम हाई फाइव डिफरेंट कार्स अ पैलेस इन द पैडी फील्ड एंड दिस इज़ अबाउट वर्ल्ड न्यूज सी ये एक डेवलपमेंट हो रहा है चाइना पाकिस्तान साइन मिलिटरी डील्स पी एल ए जनरल मीट्स पाकिस्तान लीडर्स कॉल फॉर हायर लेवल टाइज टू तो ज्वाइंटली कोप विद वेरियस रिस्क अभी सुबह ही एक ट्वीट देखा मैंने कि जो गलवान था वो प्रॉपरली प्लान किया था चाइना ने यूएस के सम एनालिस्ट ने यह ट्वीट किया है अब यहाँ पे एक थ्रेट हमें डेवलप हो रहा है दिस अगर हमें टू फ्रंट वॉर लड़ना पड़े देन चाइना पाकिस्तान साइन मिलिट्री डील्स इनकी दोस्ती कुछ ज्यादा ही बढ़ रही है जनरल मीट्स पाकिस्तान लीडर्स कॉल फॉर हायर लेवल टाइज टू कोप विद वेरियस रिस्क अब इनका क्या है हैंड इन ग्लव रिलेशन भी है चाइना को बहुत ज्यादा जरूरत है यहाँ आने की तो वो पाकिस्तान को एज अ टूल यूज करता है सी पैक है सी पैक में चाइना के पास सरप्लस मनी है बट चाइना को चाहिए अपना दिस प्रेजेंस दिखाना बिजनेस करना इन्वेस्टमेंट करना और पाकिस्तान शॉर्ट ऑफ मनी है तो यहाँ ये इन्वेस्टमेंट ऐसे हो रहा है बट दिस इज ऑल अबाउट एडवांटेज चाइना नॉट पाकिस्तान आयरन ब्रदरहुड दिखाते हैं ये ऑल वेदर फ्रेंडशिप दिखाते हैं अभी नए नए वर्ड्स बोल रहे हैं ये फर्मली सपोर्ट्स चाइना स्टैंड ऑन ईश्यूज अब सी अब बिकॉज पैसे ले रहा है चाइना से तो चाइना के हर डिसीजन को पाकिस्तान को सपोर्ट करना पड़ेगा तो वो फर्मली सपोर्ट कर रहा है चाइनाज का स्टैंड ऑन ईशूज जैसे कि साउथ चाइना सी में ताइवान में जियांग में तिब्बत में इसमें पाकिस्तान कंप्लीटली साइलेंट हो रहा है सपोर्टिंग चाइना और इसके बदले में चाइना क्या देता है यू में पाकिस्तान को डिफेंड करता है एफ की ग्रे लिस्ट से ब्लैक में जाने से बचाता है तो हैंड इन ग्लव रिलेशन यहां पे बन रहा है इंडिया हैज टू बी वेरी वेरी केयरफुल चाइना पाकिस्तान साइन मिलिट्री डील्स देन दिस इज द नेक्स्ट वन एरिजोना एंड विस्कॉन्सन ने भी सर्टिफाई कर दिया बाइडन नेक्स्ट प्रेसिडेंट बन रहे हैं फोर्टी सिक्स प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका फेसबुक न्यूज एक नया न्यूज आएगा सी फेसबुक न्यूज नया आएगा लॉन्च इन यूके और ये कंटेंट एग्रीगेटर होगा फेसबुक न्यूज टू लॉन्च इन यूके नेक्स्ट ईयर ट्रंप श्रीलंका एंड दिस काराबाक में पुतिन प्लेस पीस मेकर फाइनली यहाँ पे पीस आ रहा है दिस काराबाक जोन कॉकेकस रीजन पी एम आई शोज मैन्युफैक्चरिंग लूजिंग स्टीम मैन्युफैक्चरिंग में लूजिंग स्टीम लूजिंग स्टीम का मतलब क्या होता है कि जो फोर्स से वो मूव होना चाहिए चल रहा था वो नहीं चल रहा है लूजिंग स्टीम सर्वे बेस्ड इंडेक्स है इसने बताया सेक्टर का एक्सपांशन थ्री मंथ लो पे है जॉब शेडिंग अभी भी हो रही है नौकरियां जा रही हैं और कॉन्फिडेंस भी फेड हो रहा है टैपिड शो है टैपिड मतलब एनकरेजिंग नहीं है नवंबर मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई एम आई मार्ग द्री मंथ लो लॉस ऑफ मोमेंटम स्टीम लूज हो रहा है इसका कॉन्सेप्ट एक बार फिर देखते हैं जीवीए है ना ये प्रॉपर नंबर है ग्रॉस वैल्यू एडिशन ये जो जीवीए है जबकि जो पीएमआई है ये एक सर्वे बस होता है इंडिकेटर बस होता है ये जिसको आई मार्केट करती है पीएमआई इज जस्ट एन सर्वे ये एक सर्वे बेस्ड इंडेक्स है दैट्स ऑल पीएमआई क्या करता है ये इंडिकेटर है सर्वे का काम ही होता है वो इंडिकेट करता है किसी चीज को इंडिकेट किसको करता है बिजनेस एक्टिविटी को बिजनेस एक्टिविटी कितनी हुई मैन्युफैक्चरिंग में और सर्विसेज सेक्टर में तो व्हाट इज़ पीएमआई पीएमआई इज़ अ सर्वे एंड इंडिकेटर जो इंडिकेट करेगा मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर की हेल्थ का ये सर्वे जो होता है इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं रेस्पोंडेंट से प्रश्न पूछे जाते हैं कि आपका क्या परसेप्शन है बिजनेस के वेरिएबल्स मंथ में कैसे हुए प्रोडक्शन कितना हुआ आउटपुट कितना हुआ सेल्स कितना हुआ ट्रेंड क्या आ रहा है पॉलिसीज क्या बना रहे हैं दिस टाइप ऑफ सर्वे में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर महीने होता है ये कैलकुलेट सेपरेटली करता है मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर को और फिर एक कंपोजिट स्कोर लेके आता है तो व्हाट इज पीएमआई पीएमआई इज बेसिकली एन इंडेक्स इट इज अ सर्वे सर्वे आईएचएस मार्केट और सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग से जो सेक्टर के लोग हैं उनसे अलग अलग सवाल पूछेंगे इंडिकेटर पॉइंट्स लेंगे और एक कंपोजिट स्कोर पे आएंगे मंथली बेसिस में पीएमआई इज डिराइव फ्रॉम अ सीरीज ऑफ क्वालिटेटिव क्वेश्चन होता है बहुत बड़ा सैम्पल साइज़ होता है आउटपुट सेल्स वगैरह सब पूछेंगे और मंथ के शुरुआत में पी का एक स्कोर रिलीज होगा अब ये सवाल पूछे इंडिकेटर से एक कंपोजिट आया ये कंपोजिट अगर ग्रेटर देन 50 आ रहा है मतलब एक्सपैंड है ये कंपोजिट अगर लेस देन 50 आ रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट है अक्टूबर का पीएमआई आया 58.9 मतलब एक्सपैंड था नवंबर का पीएमआई आया 56.3 मतलब एक्सपैंड है बट लूजिंग स्टीम मोमेंटम लूज़ हो रहा है ऑप्टिमिज्म कॉन्फिडेंस इज इंपॉर्टेंट ये बहुत जरूरी है अभी इकोनॉमी में बड़े बड़े काम हो जाते हैं इफ़ यू आर ऑप्टिमिस्टिक एंड यू आर कॉन्फिडेंट दूसरा न्यूज में नवंबर पावर कंजम्शन ग्रोथ स्लोज टू फोर पॉइंट सेवन परसेंट सो दिस इज पी एम आई जी वी डिफरेंट थिंग एनसीआरटी टी माइक्रो इकोनॉमिक्स एक्सलेंट जस्ट गो थ्रू इट ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत ईजिल लिखे हैं सिंपल लैंग्वेज में इकोनॉमिक्स का फंडा यही होता है इकोनॉमिक्स का ये फंडा होता है कि आप बेसिक्स पढ़ लो फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट करंट अफेयर्स बेसिक्स मतलब वॉकेबुलरी इकोनॉमिक्स की वोकेबुलरी क्या है पीएमआई क्या होता है जीवीए क्या होता है जीडीपी क्या होता है मार्केट प्राइस नीर क्या होता है रीर क्या होता है डिफ्लेटर क्या होता है इन्फ्लेशन क्या होता है ग्रोथ ऐसे करके कुछ दो ढाई सौ वर्ड्स हैं उन वर्ड्स का मीनिंग पता लगा लीजिए देन इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट करंट अफेयर्स कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ये बहुत फ्लूइड सब्जेक्ट होता है इकोनॉमिक्स जो स्टैटिक बुक्स में लिखा होता है ना वो पुराना डेटा होता है वो रेलेवेंस लूज कर जाएगा जब एग्जाम लिखोगे आप बिकॉज जैसे कोविड हो गया हमने इकोनॉमिक सर्वे देखा इकोनॉमिक सर्वे की जितनी भी बातें हैं ना उसमें से फिफ्टी परसेंट से ज्यादा बातें जंक हो गई हैं बिकॉज ऑफ कोविड नाइन्टीन सारे इंडिकेटर्स चेंज हो गए सो दैट इज वाई इकोनॉमिक्स बहुत फ्लूड और डायनामिक होता है बेसिक वोकेबुलरी डेवलप करनी है जो एनसीआर से इजिली हो जाएगा लीव इट उसके बाद सारा करंट अफेयर्स है इकोनॉमिक्स ओके okay?

नवंबर डीजल सेल्स डिक्लाइन सेवन परसेंट सी अब इसका क्या मतलब होगा इकोनॉमिक्स में आप सोचो सेल डिक्लाइन हो रही है मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोग्रेस मतलब फ्रेजाइल रिकवरी है फॉलोइंग ग्रोथ इन अक्टूबर वेरी सिंपल जूनियर सिक्योरिटी होल्डर दिस एल दिस लक्ष्मी विलास बैंक में जो शेयर होल्डर्स हैं उनको बेनिफिट नहीं हो रहा है जब यहाँ पे दिस मोरेटोरियम में रखा था इस मोरेटोरियम से हटाएंगे जो सिंगापुर का बैंक है उसके साथ यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं के हो रहे हैं रेलवे ने इतना ज्यादा किया फेरी किया दिस हॉलीडे हाइएस्ट लोड फॉर ट्वेंटी नवंबर इंडिया ये नई जर्सी इज नॉट डूइंग गुड इंडिया लगातार हार रहा है मैच सो दिस इज द हिंदू अब इंडियन एक्सप्रेस देखें तो फार्मर यूनियन बिगिन स्टॉक विद सेंटर नो टू पैनल अग्री टू रेवर्ड विद ऑब्जेक्शन सो दिस इज एग्रीकल्चर दिस इज जली कटू राी सोइंग ओवर तो फार्मर्स के पास अभी बहुत टाइम है तो इन्होंने अच्छे से स्ट्रेटेजाइज किया है अपना प्रोटेस्ट की कब करें अभी इनके पास टाइम है फार्मर है इल इनफॉर्म्ड है अननेसेसरी स्टेटमेंट देन दिस इज गोवा फॉरवर्ड पॉलिटिक्स दिस इज द न्यूज ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है इंडियन नेवी बे ऑफ बंगॉल ये ब्रह्मोस है ना ये सबसे इंपॉर्टेंट मिसाइल है हमारे लिए क्रूज मिसाइल है मतलब प्लेन की तरह जाएगी ऐसे ऊपर फायर करो फिर ऐसे मूव करके दिस हिट करेगी और बैलिस्टिक प्रोजेक्टाइल होती है तो ये कॉम्बैट रेडीनेस है ब्रह्मोस एंटी शिप मिसाइल आई एन एस रन विजय फायर किया हमने नेवल वर्जन है ब्रह्मोस का कुछ टाइम पहले हमने देखा था हमने इसका ट्रायो का कंप्लीट किया है ब्रह्मोस को अभी हमने सू थर्टी एम के आई से फायर किया था वेरी गुड प्लेन सू थर्टी एम के आई सी बेस्ड टारगेट बे ऑफ बंगाल में तो इससे क्या हुआ हम इसको प्लेन से भी फायर कर सकते हैं लैंड से तो कर ही सकते थे सी वॉटर भी है तो अब ये तीनों जगह से लॉन्च कर सकते हैं इससे बूस्ट होगा एरियल प्रोवेस इसका रेंज जो नॉर्मल है उसका 290 किलोमीटर है मैक्स स्पीड 2.8 है अब बताओ मैक्स स्पीड 2.8 का मतलब स्पीड ऑफ साउंड ऑलरेडी लिखा है 2.8 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड है ये मैक स्पीड ऑफ साउंड कितना है चलो ये आप बताओ स्पीड ऑफ साउंड कितना होता है मल्टीप्लाई बाय टू वो इसका स्पीड होगा इसका वेट इतना होता है और ये इतनी जगह से लॉन्च होता है इसके अभी बहुत सारे वर्जन अभी चल रहे हैं ट्रायल टेस्ट चल रहा है और ये रेंज बढ़ाने की बात है ये रेंज बढ़ाने की बात है लेट एस सी वॉट इमरजेंसी यूज अप्रूवल ये इंडियन एक्सप्रेस में नेक्स्ट है बिफोर दैट दिस इज द एडिटोरियल मेंड एंड रिपेयर मेंड मतलब सुधार करना कुछ गलत जा रहा था और रिपेयर करें टैक्स कलेक्शन पिक हुआ अक्टूबर में बट इंक्रीज था स्पेंडिंग पॉजिटिव इम्पल्स ज़रूरी है मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा सरकार खर्चा करेगी तो ज़्यादा फायदा होगा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाने पड़ेंगे फिजिकल डेफिसिट आ रहा है इट्स ऑल राइट बिकॉज इकोनॉमी को सर्वाइव कराना ज़्यादा जरूरी है रिपल ऑफ अनसर्टेनिटी है ईरान्स न्यूक्लियस साइंटिस्ट इसमें अर्ली कमेंट्स नहीं देने लेट्स वेट जो हमारा ई बोलेगा एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री वो स्टेटमेंट लाइन हम फॉलो करेंगे एंड इन हर नेम बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें चल रही है हम हमारा ईरान के साथ भी अच्छे फ्रेंड्स हैं और सऊदी ब्लॉक के साथ भी हैं यू एस के साथ भी हैं इसराइल भी फ्रेंड है तो हमें एक दिस बैलेंस वे में यहाँ पे रिएक्ट करना है आंसरिंग फार्मर्स नॉक सेंटर मस्ट केयरफुली कंसिडर ऑप्शन डू द ग्राउंड वर्क क्लोज द कॉम्युनिकेशन गैप ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है आंसर राइटिंग में ये दिखना चाहिए कॉम्युनिकेशन गैप जो 90 परसेंट प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड है ना वो सॉल्व हो जाए अगर ये कॉम्युनिकेशन गैप को हम एड्रेस कर लें आंसरिंग फार्मर्स नॉक इंजीनियर एंड बिल्डर एफ सी साहब इंडिया का आई टी बूम सो द सीड्स ऑफ ट्रस्ट ट्रस्ट इज इंपॉर्टेंट थ्रेट ये लग रहा है फार्मर्स को कि एम एस पी इज गोइंग बट सरकार को यहाँ पे इस थ्रेट को एड्रेस करना चाहिए अवर कॉम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए अब ये टर्म बहुत न्यूज में है इमरजेंसी यूज अप्रूवल इसका मतलब क्या होता है सी फ़ाइजर ने अप्लाई किया इमरजेंसी यूज़ अप्रूवल के लिए मॉडर्ना सीरम इंस्टीट्यूट भी अप्लाई कर रहा है व्हाट डज इट मीन बाय इमरजेंसी यूज़ अप्रूवल सी नॉर्मली वैक्सीनेशन आती है ना उसका डेवलपमेंट में ही बहुत साल लगते हैं वैक्सीनेशन डेवलपमेंट हो गया अप्रूवल हो गया उसमें भी चार पाँच साल और लग जाते हैं वैक्सीनेशन अप्रूवल में तो इमरजेंसी यूज़ अप्रूवल में क्या होता है कि हम प्रिलिमिनरी जाँच देखते हैं वैक्सीनेशन का अगर पोटेंशियल बेनिफिट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं नोन है और जो पोटेंशियल रिस्क ऑफ द वैक्सीनेशन कम है तो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सरकमस्टेंस में ये चार पाँच साल के बजाय हम उसको क्विकली अप्रूवल दे देते हैं दैट इज़ इमरजेंसी यूज़ अप्रूवल ये पॉलिसी है यू एस एफ डी ए का इंडिया में सच कोई पॉलिसी नहीं है इमरजेंसी यूज़ अप्रूवल का हमारे यहाँ दिस सी डी एस सी ओ है जो अप्रूवल एंड दिस परमिशन देता है वैक्सीनेशन को बट इसके पास ऐसे कोई प्रोविजन है नहीं इमरजेंसी यूज़ अप्रूवल के बट फिर भी कहा गया है इमरजेंसी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सिचुएशन है कोविड नाइन्टीन का तो हम कंसिडर करेंगे इस केस को तो वॉट इज इमरजेंसी यूज अप्रूवल प्रॉपर प्रोसीजर्स अभी नहीं हुए हैं केस बाय केस में अगर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सरकमस्टेंसेज है तो वैक्सीनेशन का यूज अलाउ किया जा सकता है दिस इज किया जा सकता है दैट इज स्पीड अप सर्कमस्टेंसेज के कारण डिमांड के कारण तो दैट इज इमरजेंसी यूज अभी फाइजर और इन लोगों ने अप्लाई किया है इमरजेंसी यूज अप्रूवल के लिए इमरजेंसी यूज अप्रूवल के लिए सी अभी तक जो फास्टेस्ट अप्रूवल मिला है ना वो 1960 की मम्स वैक्सीन को मिला था चार एंड हाफ साल में तो इस तरीके से तो 2024 तक कोविड की वैक्सीनेशन आएगी नहीं तो इसीलिए हम इमरजेंसी अप्रूवल की बात करते हैं प्रिलिमिनरी हमें सही अच्छा दिख रही है चीज़ें तो हम उसको ओके कर देंगे ये ब्रह्मपुत्रा फ्लड में ट्री रिंग्स में ये एक स्टडी चल रही है और ट्री रिंग्स जो बनती है डेंड्रोक्रोनोलॉजी इससे ये आइडेंटिफाई लग रहा है कि जैसे 500-600 साल पुराना ट्री है इस रिंग से ये पता लगा रहे हैं कि पहले कितना मॉइस्चर होता था फ्लड जैसी सिचुएशन कैसी थी बाद में कितना मॉइस्चर है आज की डेट में क्या है एक पैटर्न जांच रहे हैं तो पैटर्न ये बता रहा है कि फ्लड लाइक सिचुएशन आर गोइंग टू गेट वर्स्ट मतलब ज्यादा फ्लड आने वाले हैं ये ट्री रिंग होता है पेलियो क्लाइमेटोलॉजी ट्री का ये स्टेम है स्टेम में ऐसे रिंग्स बनती है ट्री का ट्रंक है ये क्रॉस सेक्शन इसका आप देखो तो जो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर है ना ये रिंग उसको इनडायरेक्टली बताती है कि उस टाइम पे सराउंडिंग एटमॉस्फेयर कैसा था फॉर एग्जाम्पल ये बार्क है बार्क मतलब ऊपर का दिस बार्क ट्री का दिस बार्क है ये अब इसके अंदर ये रिंग बनी है ये यूजली एनवल होती है फर्स्ट ईयर में ये एक रिंग बनी फिर ओल्डेस्ट रिंग बींग क्लोजेस्ट टू द सेंटर अगले साल एक और रिंग बनी ऐसे करके ये रिंग बनती जाती है जैसे जैसे ट्री पुराना होता जाता है अप्रोक्सीमेटली वन रिंग पर ईयर होता है ओल्डेस्ट जो रिंग होती है वो सेंटर में होती है फिर हर साल एक नई नई रिंग बन रही है अब इस रिंग को समझ के हम बता सकते हैं कि आज से 300 साल पहले किस टाइप का एटमोस्फेयर था किस टाइप का क्लाइमेट था जैसे ये थोड़ा वृद्ध ज्यादा है तो ये वाटर बता रहा है उस टाइम पे वाटर बहुत था कम वृत की है मतलब लिमिटेड वाटर अवेलेबल था टेम्परेचर बताता है वहाँ का बहुत सारे पैरामीटर्स हम इंडायरेक्टली डेसेफर कर सकते हैं इन रिंग्स की स्टडी को डेंड्रोक्रोनोलॉजी सो दीज आर ट्री रिंग्स जो अभी यूज हो रहा है असम में और वो डिटरमाइन करने की कोशिश कर रहे हैं कि पैटर्न क्या चल रहा है इस फ्लड का दिस इज दियर इन ट्री रिंग्स वार्निंग ऑफ ब्रह्मपुत्रा फ्लड हमें यह याद रखना है डेंड्रोक्रोनोलॉजी पेलियो क्लाइमेटोलॉजी रिंग्स का दिस कलर साइज डिफर करता है अब जो नेक्स्ट है दैट इज अबाउट दिस जम्मू एंड कश्मीर का रोशनी एक्ट है ये लोनलियस्ट एलिफेंट था जू में रखा था आप बताओ जू में ऐसे एनिमल्स रखते हैं हम इजेंट इट अट्रोसिटी क्रुआलिटी टू वर्ड्स दीज एनिमल्स वर्ड्स लोनलीस्ट एलिफेंट फाइंड अ फ्रेंड सात साल से इसने दूसरा एलिफेंट नहीं देखा था देन दिस इज नेपाल फीमेल सोल्जर्स ब्रेक टैबूज टू टैकल कोविड क्राइसिस वन लाख करोड़ फिर से क्रॉस हुआ है जीएसटी वेट विच इज अ गुड थिंग दिस इज फर्म्स और यहाँ पर पी एम आई हिट्स थ्री मंथ लो दैट इज वाई स्टीम लूज हो रहा है हाई ऑन हाई रिटेल इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन हाई हो रहा है फोर प्लस माइनस टू मैंडेड है अपर रीच हो रहा है तो आर बी आई स्टेटस को वो मेन्टेन करेगा अगेन चैप्टर नंबर सिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स आर बी आई का रूल आर बी आई यहाँ पे मॉनिटरी पॉलिसी जो है वो एज इट इज रखेगा एकोमोडेटिव रहेगा बट उसको और लीनियंट नहीं करेगा आज का मैप है त्रिपुरा वेर इज त्रिपुरा त्रिपुरा एक हिली स्टेट्स है यहाँ पे पहाड़ियाँ हैं हिली स्टेट्स है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का ये तीन साइड से बांग्लादेश से ज्वाइंट है बांग्लादेश से बॉर्डर्ड है और एक तरफ तो असम है नॉर्थ ईस्ट का हर राज्य असम से कनेक्टेड है यहाँ डाइवर्स मिक्स ऑफ ट्राइबल कल्चर्स हैं रिलीजियस ग्रुप्स हैं कैपिटल है इसकी अगरतला ओके अगरतला इसकी कैपिटल है यहाँ पे एक लेक रुद्र सागर भी है यहाँ पे अगरवुड यहाँ का ट्री है इसी के नाम से अगरतला कैपिटल आ गया क्वीन पाइन एपल यहाँ का फ्रूट है तो ये त्रिपुरा है सी ये त्रिपुरा है ये असम है असम दिस इज बांग्लादेश दिस इज बांग्लादेश दिस इज बांग्लादेश तो तीन साइड से बांग्लादेश हो गया इधर से असम है और एक और राज्य है जो है मिजोरम तो मिजोरम असम बांग्लादेश 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 अभी ब्रू ट्राइब भी काफी न्यूज में थी यू शुड नो अबाउट इट मिजोरम एंड दिस इज त्रिपुरा ये त्रिपुरा के सारे डिस्ट्रिक्स हैं नॉर्थ त्रिपुरा दिस इज त्रिपुरा वेस्ट त्रिपुरा दिस इज ढलाई ये साउथ त्रिपुरा है और ये अगरतला है टूवर्ड्स दिस बांग्लादेश दिस अगरतला ये कैपिटल है त्रिपुरा की तो त्रिपुरा एक हिली स्टेट है ओवरऑल जो नॉर्थ ईस्ट है यहाँ पे बहुत सारी हिल्स हैं हिल्स हैं माउंटेन्स भी हैं तो एक लिस्ट बनाइए एनलिस्ट द हिल्स एंड माउंटेन्स इन नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया ये हाई यल्डिंग है अस सवाल आए हैं हर एग्जाम में एनलिस्ट द हिल्स एंड माउंटेन्स इन नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया प्रिपेयर दिस लिस्ट ओके नेशनल पार्क माउंटेन्स हिल्स लेक्स ये सब इंपॉर्टेंट है नॉर्थ ईस्ट की सो दिस इज द त्रिपुरा सो वी रेड अबाउट त्रिपुरा दिस इज ब्रह्मपुत्र फ्लड डेंड्रोक्रोनोलॉजी इमरजेंसी यूज अप्रूवल का मतलब क्या होता है ब्रह्मोस मिसाइल्स ये पी एम आई ये पी एम आई है जी वी ए इज डिफरेंट माइक्रो इकोनॉमिक चाइना पाकिस्तान मिलिट्री डील एस आई आई बिजनेस बैरन शुड नॉट रन बैंक परनीशियस आइडिया ऑफ एक्सक्लूसिव बिलोंगिंग आइडेंटिटी एक सिलोज में नहीं होती है मल्टीपल आइडेंटिटीज हो सकती है जूनॉटिक डिसीजेज रीजनल प्रायोरिटीज दिस इज जी एस टी इनफ्लो और ये है सेकेंड ऑफ दिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टेक केयर स्टडीवेल एंड बी सेफ